जाड़ोल में बाजुमो रक्तदान शिविर में 40 यूनिट हुआ रक्तदान। सोलाओं ने भरे संकल्प पत्र। कोरोना महामारी में रक्त की कमी से किसी की जान न जाए युवा। जाड़ोल उपखंड क्षेत्र में कोरोना महामारी में रक्तदान की कमी से जूझते उदयपुर के ब्लड बैंकों हेतु बाजुमो उदयपुर देहात द्वारा 5 दिवसीय रक्तदान शिविर के क्रम में चौथा रक्तदान शिविर जाड़ोल के राज हिल्स रिसोर्ट बीड़ा में आयोजित हुआ। बाजुमो उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार व जिला प्रमुख ममता कुंवर पवार के आतिथ्य में संपन्न हुए रक्तदान शिविर में जाड़ोल फलासिया व कोटड़ा मंडलों के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। जिला प्रमुख ममता कुंवर पवार ने रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए आह्वान किया कि कोरोना महामारी व लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में रक्त की कमी की वजह से किसी की जान न जाए, इस हेतु युवाओं को आगे आने होगा। बाजुमो उदयपुर देहात द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन कर पीड़ित मानवता की सेवा करने के प्रयास प्रशंसनीय है। देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार ने कहा कि अब तक आयोजित 4 रक्तदान शिविरों व आन काल रक्तदान के माध्यम से कुल 191 यूनिट रक्तदान बाजुमो देहात द्वारा किया गया है व अभी और रक्तदान शिविर बाजुमो के प्रस्तावित हैं। भाजपा उदयपुर देहात द्वारा 34 मंडलों में सतत सेवा कार्य जारी है व जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। पवार ने कहा कि जहां अन्य दल सिर्फ चुनावों के वक्त नजर आते हैं वोट लेने, वहीं इस कोविड जैसी महामारी में भी भाजपा का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बिना रक्तदान के लिए मेडिकल किट, बीमारियों को भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां आदि उपलब्ध करवा रहा है। जिला मंत्री अरविंद जोशी ने बताया कि कुल 40 यूनिट रक्तदान कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया व 16 संकल्प पत्र भरे गए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नीलम राज पुरोहित, बाजुमो जिला मंत्री अरविंद जोशी, बाजुमो मंडल अध्यक्ष देवीलाल गायरी, मंडल महामंत्री चंद्रसिंह झाला, शंकर लाल गायरी, मनीष पुरोहित, फलासिया मंडल संयोजक पूरण सिंह पवार, कोटड़ा मंडल अध्यक्ष सब्जी राम खेर, पंकज तेजावत, राजेंद्र सिंह झाला, किशन कुमावत, गोपाल पटेल, भावुक जैन, जितेश गोरणिया समेत बाजुमो कार्यकर्ताओं व रक्तदाता मौजूद रहे।